हाय व्यूअर्स, वेलकम टू साउथ टेक्नो गाइड। आज का ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आपको दिखाया हूँ कि वीव का 43 इंच फुल एचडी एलईडी टीवी का वॉल माउंट कैसे होता है। जैसे कि फर्स्ट टाइम अगर आप वॉल माउंट करते हैं तो कंपनी की तरफ से फ्री में हो जाता है। सेकेंड टाइम अगर आपका टीवी को रूम से दूसरा रूम को शिफ्ट कर रहे हैं या दूसरा कोई घर में शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कंपनी चार्ज लेता है। तो ये सिंपल स्टेप है, आप इसको देखेंगे तो आप खुद भी इसको वॉल माउंट कर सकते हैं। तो हम देर नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये बिल्कुल फ्री है। और बाजू में एक बेल का आइकन है, वहाँ पे भी क्लिक कर दीजिए तो हमारा जो भी नया वीडियो आएगा आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। तो ये है टीवी का बैक साइड और यहाँ पे हमको स्क्रू वगैरह लगाना है। तो मैं यहाँ पे मेजरमेंट एक ले जाता हूँ, जैसे कि ये जो स्क्रू से टीवी का हाइट कितना है, तो लगभग ये 8.5 इंच का है। तो हम जहाँ पे भी इसको सेंटर करेंगे तो उस हिसाब से हमको मेजर करना पड़ेगा कि जहाँ पे हमारा माउंट होगा वहाँ से टीवी ऊपर 8.5 इंच ऊपर रहेगा, तो उस हिसाब से हमको वॉल में वो सेट करना है। तो जैसे हम ये वॉल में अगर इसको माउंट करते हैं तो हम जो भी जगह में टीवी का साइज जैसे मेजरमेंट हम करते हैं इतना जगह में टीवी रहेगा, तो उस हिसाब से हमको जो भी होल वगैरह करना है वो करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बताया था 8.5 इंच, अगर टीवी का टॉप जो है टॉप लेवल यहाँ तक आता है तो हमको जो होल करना है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये वॉल माउंट किट में हमको इतना स्क्रू वगैरह मिला है, जैसे कि यहाँ पे ये दो बड़ा वाला है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला दो है तो ये टीवी का नीचे के हिस्से में लगेगा, और यहाँ पे तो ये 3 दिया गया है तो ये वॉल माउंट का जो ब्रैकेट है उसमें लगेगा। तो मैं टोटल आपको दिखाता हूँ ये कैसे फिट होता है। तो स्क्रू के साथ साथ इसमें मेन जो ब्रैकेट है ये मिलता है उसके साथ, जैसे मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो में दिखाया था। तो ये जो ब्रैकेट है इसको आप वॉल में ऐसे फिक्स करना है, उसके बाद टीवी को जस्ट हैंग कर देना है। तो ये जो ब्रैकेट है उसको कैसे फिट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे 3 होल है, यहाँ पे एक होल, यहाँ पे एक और नीचे की तरफ एक होल है। तो ये तीनों को हम फिक्स करना है हमको वॉल में, और यहाँ पे जो रहता है टीवी को जस्ट यहाँ पे हैंग कर देंगे। तो ये तीनों को कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। तो पहले हम टीवी का ये साइड से ये साइड तक मेजर करना है, तो मैं ये साइड से ये साइड तक मेजर करता हूँ। तो ये टोटल आता है 38 इंच। तो आप हमारा वॉल में देख सकते हैं 38 इंच यहाँ तक आता है। तो ऊपर से भी हमको 8.5 इंच वो भी मेजर करना है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे होल करेंगे। तो उसी हिसाब से आपको मेजर करके ब्रैकेट का होल करना है। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट का आपको जरूरत पड़ेगा, जैसे कि ये बैलेंसिंग के लिए यूज होता है, ये आपको हार्डवेयर शॉप वगैरह में मिल जाएगा। इसका प्राइस जो है वो 100 से लेके 150 तक आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेंटर कर दिया और इसका जो होल है उसको एक मार्किंग कर देता हूँ, उसके बाद हम ड्रिल करके वो होल कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 3 मार्क हो गया, तो ये 3 मार्क के ऊपर हमको होल करना है। तो ये जो बीट है ये अंदर जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये बीट जो है इसको अंदर डालना है। अगर नहीं जाता है तो हैमर में थोड़ा सा उसको हैम कीजिए तो अंदर चला जाएगा वो। तो आपको ये बीट को इतना अंदर पुश करना है, तो तीनों सेम प्रोसेस में आपको ये बीट जो है इसको वॉल के अंदर पुश करना है। तो उसके बाद ये जो नॉट वगैरह लगा है नॉट वगैरह को आपको खोल देना है। तो आपको 12 और 14 नंबर का जो रेंची है ये लगता है इसमें ये नॉट के लिए। तो आपको ये जितना नॉट लगा है नॉट को खोल देना है, ब्रैकेट को लगाने के बाद नॉट को एक बार फुल से टाइट कर दीजिए। तो अभी हम यहाँ पे जितना भी हमारा नॉट और जितना भी वाशर था वो निकाल दिए। तो अभी 3 बड़ा बड़ा वाशर जो उसके साथ मिलता है उसको पहले आपको यहाँ पे फिट करना है। तो अभी ये जो व्हाइट कलर का है ये टीवी का यहाँ पे रहेगा, ये व्हाइट कलर का है, देखिए एक साइड बड़ा है एक साइड छोटा है। तो जो बड़ा साइड है वो टीवी के तरफ रहेगा और जो छोटा है ये बाहर की तरफ रहेगा, ऐसे दो जगह में दो रहेगा। और ये जो ब्लैक कलर का दिया गया है ये ब्लैक कलर का ऐसे रहेगा, तो ये वॉल में सपोर्ट देगा उसे, और ऊपर का दो जो रहेगा वो हैंग रहेगा इसमें।
तो अभी देखिए ये टोटल यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों सेट हो गया। तो अभी आपको टीवी लेके डायरेक्ट इसके ऊपर हैंग कर देना है, जैसे यहाँ पे होल देख सकते हैं, ये होल के ऊपर इसको लटका देना है। तो यहाँ पे देखिए ये फिट हो गया और ये जस्ट यहाँ पे हैंग कर दिए हम, बाकी कुछ मैकेनिज्म नहीं है इसमें। और नीचे जो ब्लैक कलर का था वो सपोर्ट देता है वॉल को। तो फाइनल ये दो स्क्रू लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक बार आपका टीवी अगर हैंग हो जाता है वॉल में, तो उसका जो ब्रैकेट है उसके ऊपर एक होल रहता है, तो होल के ऊपर एक स्क्रू आपको टाइट करना है। ये जो स्क्रू दिया जाता है ये इसीलिए दिया जाता है कि जैसे कि आपका टीवी अगर नीचे से कुछ फोर्स लगता है उसे, या टीवी बाहर आ जाने के लिए चांसेस रहता है, मगर ये जो स्क्रू है वो उसको उसके अंदर रहने देता है। जैसे कि आप अगर उठाना चाहे टीवी को तो भी उठा नहीं पाएंगे जब तक वो स्क्रू को आप खोल ना दें। इसीलिए आपका सेफ्टी के लिए या आपका टीवी का सेफ्टी के लिए ये स्क्रू कंपनी प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पे क्लोज लुक फाइनली आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्क्रू है वो टीवी का जो दो जगह से टीवी लटका है उसके ऊपर ही वो स्क्रू है, इसीलिए टीवी को चाहे तो भी उठा नहीं सकते जब तक आप वो स्क्रू को खोल ना दें। इसीलिए ये एक सेफ्टी है आपका टीवी के लिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक मेरा चैनल देखते रहिए। साउ टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ हो।